नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश शुभांग। हर सोमवार के दिन हम जुड़ते हैं देश के जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट और स्टॉक मार्केट एनालिस्ट शीतल बाखरे जी के साथ और उनसे समझते हैं कि वो बाजार को किस तरीके से देख रही हैं। मैम अपने एक्सपीरियंस के साथ ढूंढ कर लाती हैं वो सारे फंडामेंटल्स जो समझना सोमवार के दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बहुत एक एक्शन पैक जो हफ्ता है वो देखने को मिलेगा हमें। काफ़ी अच्छी अच्छी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और सेंसेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर लेते हैं शीतल मैम की राय कि वो बाजार को किस तरीके से देख रही हैं। वेरी गुड मॉर्निंग शीतल मैम। गुड मॉर्निंग शिवानी। मैम बहुत जो बाजार है वो एक्शन पैक देखने को मिलने वाला है इस हफ्ते भी और बीते हफ्ते भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप बाजार को किस तरीके से देख रही हैं, क्या मोमेंटम आपको इस वक्त बाजार का दिखाई पड़ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कांग्रेचुलेशन कि 16,000 सेंसेक्स ने कंप्लीटली पार कर दिया है जी। ये सबसे अच्छी बात है कि 24 तारीख को, मतलब जो हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं 24 नंबर लिखिए, यस उसी 24 को 60,000 मतलब 6 नंबर क्रॉस हो चुका है। तो यस सभी को कांग्रेचुलेशन। आने वाला हफ्ता ऐसे ही रहेगा, मतलब काफी उतार चढ़ाव भरा हफ्ता रहेगा ही रहेगा। काफी सारे लोग पॉजिटिव है और काफी सारे लोग नीचे आने की वेट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 91 डेज में ही, मतलब 91 सेक्शन में सेंसेक्स ने ये पूरा क्रॉस किया है। और यस 75 इयर्स में हम लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली शुक्रवार के दिन, मतलब एक आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 369 का जादू चला है और 246 डेज में ये कंप्लीट हुआ है, मतलब अगेन 3 और 60,048 पे, मतलब 9 पे, मतलब 369 का जादू इस बार चल चुका है क्योंकि 2021 है जिसकी टोटल भी बहुत अच्छे से 5 आ रही है। तो मार्केट के लिए 5वां स्थान बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल मैम, जब भी हम बात करते हैं आपसे, इवन हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक मार्केट एनालिस्ट भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ बताते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसा चलेगा। तो वो टेक्निकल्स को तो फंडामेंटल्स को तो समझते ही हैं लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी हमें बताते हैं कि कौन सा सेक्टर चल सकता है, क्या कुछ हो सकता है। तो मैम ये तो आपने हमें बताया कि किस तरीके से जो मैजिक नंबर्स हैं उन्होंने अपना खेल दिखाया है। इस हफ्ते हमें क्या देखने को मिलने वाला है, कौन से फंडामेंटल्स ऐसे हैं जिन पर इस बार हमें नजर बना के रखनी है और आप इस बार क्या बताएंगी व्यूअर्स को इस हफ्ते के लिए? क्रूड ऑयल जो है वो $77 है, विक्स जो है काफी हद तक बढ़ चुका है, 17 हो गया है। बॉन्ड यील्ड का इंटरेस्ट रेट जो है वो 1.41 हो गया है और पीसीआर रेशियो जो है वो 1.12 हो गया है। जापान के महंगाई आंकड़े आए हैं 11 मंथ के निचले स्तर पे है, काफी डरावने आंकड़े हम लोग उसे बोल सकते हैं। डिमांड बढ़ी है और क्रूड ऑयल का रेट भी बढ़ चुका है, उस वजह से डरावने आंकड़े अगर आप बोलोगे तो यस इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। बिकॉज ऑफ सेक्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कोयला जो है, जो हम लोग उसे यहाँ पे बोलेंगे कि कोल इंडिया ने 8 प्लांट्स खरीद लिए हैं जो बहुत अच्छा है स्टील वाली छोटी कंपनीज के लिए, जैसे सनप्लग आयल जैसे कंपनीज के लिए बहुत अच्छा हो गया। देन इंडियन बैंक ने 132 करोड़ और 172 करोड़ का एनपीए डिक्लेयर कर दिया। टोटल एनपीए अगर आप देखोगे तो 304 करोड़ का है, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा एनपीए घोषित किया है। इस वजह से हमने देखा था बैंकिंग सेक्टर जिस तरीके से मूव कर रहा है ये वैसे हो रहा था, बट हाँ वही पे सोयाबीन भी बढ़ रहा था। सोयाबीन की कीमतों पे अगर आप ध्यान रखोगे तो इसका फायदा गोदरेज, एक्रोटेक्स, बिंकीज के जैसे स्टॉक को होगा। अब हमें ये देखना होता है, जब हम लोग सोयाबीन में देख रहे हैं कि सोयाबीन की प्राइसेस बढ़ रही है तो कमोडिटी मार्केट और स्टॉक मार्केट को जब हम इन्वॉल्व करते हो तो तब हमें देखना होता है कि यस कौन से स्टॉक इसके रिलेटेड काम करेंगे। वहां पे आपका सच बताओ तो फंडामेंटल वर्क होता है, तो गोदरेज एंड विंकीज, एग्रोटेक बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पे रिसेंटली एक आईपीओ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी, जिसका आईपीओ है
2770 करोड़ का आईपीओ है, प्राइस बैंड है इसका ऑलमोस्ट 695 to 712, मिनिमम लॉट साइज 20 का है, 29 को ओपन होगा फर्स्ट को। एक्चुअली ये कैनेडियन पार्टनर सनलाइफ 12.5% रहेगा और एबी कैपिटल 1% रहेगा, इसके लिए ये ओएफ लाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक ठाक ही रहेगा ये आईपीओ। ठीक है, तो ये ऑल इन ऑल वो सारी चीजें जहाँ पर आपको नजर बना के रखनी है। मैम, जब भी आप सोमवार के दिन आते हैं तो हम कोशिश करते हैं निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो आपसे समझने की कोशिश करें थोड़े बहुत। तो मैम, निफ्टी के क्या लेवल्स देख रहे हैं आप इस हफ्ते के लिए? लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो निफ्टी सस्टेन दो तीन दिन मतलब लाइक एक सीमित दायरे पे काम कर रहा था और सडनली एक बड़ी मूवमेंट हमने मार्केट में देखी। तो यस, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी ने जो फॉर्म किया है बेयरिश कैंडल डेली लोअर पैटर्न जो निफ्टी ने फॉर्म किया है और 58.60 बैंक निफ्टी का गेन था और 163 पॉइंट निफ्टी का गेन था, तो 17,700 to 18,800 के आसपास इस बार हम लोग निफ्टी को मूव होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वो लेवल्स हैं जहां पर आपको नजर बना के रखनी है। चलिए, हमारे साथ जनार्दन मिश्रा जी, पंकज जी, मनीष गोस्वामी, तनुजा जी सब लोग जुड़ गए हैं और गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हमारे सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी गुड मॉर्निंग नहीं भेजा है, आप सभी को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आप सभी के मूलांक के हिसाब से मैम से समझने की कोशिश करते हैं कि मैम क्या बताएंगी, कौन से मूलांक वालों को कहाँ पर नजर बना के रखनी है और कौन से मूलांक वालों को इस हफ्ते ट्रेड अवॉइड करके चलना है, वो सारी चीजें मैम से समझते हैं। ठीक है मैम, चलिए शुरू करते हैं। आज आपसे समझना चाहेंगे मूलांक के हिसाब से आप हमें बताइए कि किस तरीके से हम बाजार में काम कर सकते हैं। मूलांक एक वालों के लिए मैम क्या राय होगी? मूलांक एक वालों के लिए ये हफ्ता हेल्दी तो नहीं हम लोग बोल सकते, बट हाँ मानसिक तनाव ना ले स्टॉक मार्केट में, हेल्दी अगर रहना है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट का ट्रेस ना ले, बहुत छाती तरीके से आपको खेलना उतरना पड़ेगा मार्केट में। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं ना, जो बॉर्न बफे का रूल है कि पहले एक पैर पानी के अंदर डालो, पानी की गहराई ना आप लोग, उसके बाद में दूसरा पैर अंदर डालना। सेम चीज यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी, आपको पहले देखना पड़ेगा कि पानी कितना डीप है, अगर जाता हो तो कहीं अटकने के चांसेस कम है या ज्यादा है, वो अगर देख के अगर आप पानी के अंदर उतरते हो तो यस, ये हफ्ता आपके लिए हेल्थ इक्विपमेंट के लिए अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क फॉर्मूला आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा यहाँ पे, इसीलिए आप जीरो लॉस स्ट्रेटेजी का यूज करके चलते हो तो दिस वीक आल्सो गुड फॉर यू। ठीक है, तो मूलांक एक वाले इन बातों का ध्यान रखें, जिनका भी जो डेट ऑफ बर्थ है या बर्थडे जिनका 1 तारीख 10 19 28 को आते हैं तो उनके लिए मैम की तरफ से ये सलाह आती है। ठीक है मैम, दो मूलांक वालों को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या खास रहने वाला है उनके? बिना सोचे सबसे मार्केट में जंप, मतलब आप लाइक आ बेल मुझे मार जो एनर्जी आप एक्टिवेट करने वाले हो वो मत करिए। डेफिनेटली ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा होने के ब्राइट चांसेस है, बट उसे हम लोग वही बोलते हैं ना, थोड़ा सा स्टडी करके या फिर थोड़ा केयरफुल नॉलेजफुल लेके। अगर कल आप एक वीडियो देखोगे जहाँ पे मैंने स्पेशली डाला है कि फ्री टिप्स या फ्री कॉल्स लेना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बट उसके ऊपर किस तरीके से आपको एक्शन लेना है वो बहुत जरूरी होता है। तो यूट्यूब पर स्पेशली आप लोग वीडियो देख सकते हो, बड़ी एक्साइटमेंट भरा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए। इस हफ्ते आप सारी चीजें यूज कर सकते हो जितनी आपके पास स्टोरेज नॉलेज है, और ऑटो सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ऑटो और टेलीकॉम सेक्टर वालों पर मूलांक दो वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो नजर बना के रख सकते हैं। बढ़ते हैं मैम अगले मूलांक की तरफ, मूलांक तीन, इसे किस तरीके से देख रहे हैं, इनके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? चप्पल फाड़ने वाला हफ्ता रहने वाला है 3/22/23 के लिए। डेफिनेटली ये हफ्ता आपके लिए बहुत मजेदार भी बना रहेगा, आपको बस बहुत यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना प्रॉफिट बुकिंग मस्ट रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट आपको दिखने वाला है। बट काफी बार ऐसे होता है कि काफी ऐसे प्लैनेट ऐसे होते हैं जो डिसीजंस लेने की पावर आपके पास कम होती है, जो आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने देते, उसे भी हम लोग प्लैनेटरी डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग मस्ट रहेगा। जब तक आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तो आपके सेविंग अकाउंट में नंबर्स बढ़ते हुए आपको नहीं दिखेंगे, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको रखनी पड़ेगी।
यस डेफिनेटली फार्मा और स्टील सेक्टर्स आप लोगों के लिए ये हफ्ते और ज्यादा प्रॉफिट गेन करवाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, मूलांक तीन वालों के लिए इन सेक्टर्स पर नजर रखनी है, साथ ही साथ प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, ये हमारे जितने भी अच्छे स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं ये एक राय तो आपको जरूर ही देके जाते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए, आपके अकाउंट में भी आपका प्रॉफिट जो है वो दिखना चाहिए। तो ये एक अच्छी सलाह मैम की तरफ से आती हुई। मूलांक चार वालों को मैम किन चीजों का ध्यान रखना है, कहाँ पे नजर बना के रखनी है इस हफ्ते? 4, 13, 22 and 31 ये हफ्ता आपके लिए ठीक ठाक नहीं है, बट हम लोग ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब लाइक आपने स्टॉक ले लिया और वहां से वो नीचे आता है, ये हर एक की प्रॉब्लम होती है, बट आप 4, 13 and 22, 31 ये आप ज्यादा एक्सपीरियंस करोगे ये हफ्ते कि आपको लग तो रहा था ये स्टॉक बढ़ने वाला है या फिर ये स्टॉक नीचे आने वाला है, बट आप जैसे ही उसमें कोई एक्शन लोगे वहां से वो उल्टा होना आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो यस ये हफ्ते में भी आपके साथ यही होगा कि जहां से जो भी पोजीशन आप लोगे वहां से आप उल्टा ही होते हुए देखोगे। थोड़े से पेशेंस रखिए क्योंकि आपके डिसीजन से सबसे गलत नहीं होने वाला है। एंट्री डेफिनेटली सोच समझ के अगर आप करते हो तो इस हफ्ते आपके लिए एजुकेशन पेपर स्टॉक बहुत अच्छे रहेंगे। एंड ये स्पेसिफिक सीजन के हिसाब से अगर आप फॉर्टून सेक्टर्स पे भी ध्यान देते हो और मनी मैग्नेट स्ट्रेटजी का यूज करते हो तो डेफिनेटली ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी मैम की तरफ से आती हुई और साथ ही साथ जो मूलांक चार वाले हैं वो किस तरीके से काम करें वो भी मैम ने बता दिया है। ये जो स्ट्रैटेजीज के मैम जो नाम देती हैं ये अगर आप मैम से सीखना चाहते हैं तो आपको फिर क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, मूलांक पांच वालों को मैम किस तरीके से देख रहे हैं आप, वो क्या कुछ कर सकते हैं इस हफ्ते? इस बार अगर 5, 14 and 23 जो लोग बहुत आलसी होते हैं मतलब उनको बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग की जरूरत होती है, तो इस बार मैं आपको सजेशन करूंगी कि बिल्कुल भी दोस्तों और फैमिली की बात ना माने, खुद स्टडी करें क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए भी लॉटरी भरा हफ्ता होने वाला है। इस हफ्ते में आपको जितने चाहिए उतने पैसे मिल सकते हैं, बट हाँ आपको खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको खुद इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको खुद के नॉलेज पे भरोसा करना पड़ेगा। ऑयल एंड गैस फेस्टिव सीजन के हिसाब से पेंट स्टॉक भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी का यूज अगर आप करते हो तो ये हफ्ते आपकी लॉटरी लगने वाली है, तो आपको लग जाना चाहिए काम पे, बस किसी सुनी सुनाई बातों पे ना जाते हुए खुद के नॉलेज पे भरोसा रख के अगर ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, मूलांक पांच वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स है काफी खुश होंगे मैम की बातें सुन के, अच्छा रहने वाला है हफ्ता। उत्कर्ष जी जुड़ गए हैं, वेरी गुड मॉर्निंग उत्कर्ष जी। ठीक है, मूलांक छह वालों को किस तरीके से देख रहे हैं मैम, वो क्या कर सकते हैं इस हफ्ते? 6, 15 and 24 जो लास्ट हफ्ते हमने देखा है, छह का जादू देखा है, 24 का जादू जो देखा है हमने, तो ये हफ्ते भी ये जादू बना ही रहने वाला है। यहाँ पे भी यही रहेगा कि एंट्री अगर आप एक गेट से करते हो तो आपके पास तीन एग्जिट गेट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको कम से कम तीन स्ट्रैटेजी एक स्टॉक में अगर आप लगा लेते हो, जैसे कि रैट स्ट्रैटेजी होगी, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी होगी, आर्बिट्रेज होगी, वन मंथ प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी होगी, इन सारी स्ट्रैटेजीज को अगर एक स्टॉक में आपको सेट करना है, स्पेशली अगर इंडेक्स फ्यूचर में आप काम कर सकते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली आपको करना ही है, कभी कभार ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी निराशा आ सकती है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मत दिखाइए, वो आपके अंदर ही रहती है, अगर आप दिखाओगे तो उसे नजर भी लग सकती है क्योंकि इतना अच्छा प्रॉफिट ये हफ्ते आपको होने वाला है। बढ़िया है, तो अच्छा प्रॉफिट मूलांक छह वालों को मिलने वाला है, तो अच्छे से सोच समझ के ट्रेड कीजिए, एक्सपर्ट्स की सलाह लेते रहिए। जितने भी व्यूअर्स मूलांक छह वाले हैं तो उन्हें ये सलाह मैम की तरफ से आती हुई। ठीक है मैम, मूलांक सात वाले क्या करें और क्या मैम इस हफ्ते कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे अपना ट्रेड अवॉइड करना है, जो आप हमेशा पहले ही सावधान कर देती हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग लगभग सभी मूलांक वाले अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस हफ्ते। यस यस मतलब लाइक आपने ऐसे बोल दिया है तो मुझे सात नंबर के लिए मैं अभी वहीं पे आने वाली थी कि यस
खुद पर और स्टॉक पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, जिनकी भी बर्थडे 7, 16 and 25 है. प्रॉफिट होगा, बट जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 7, 16 और 25 वाले बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं. मतलब लाइक मैं अगर बोलूँ कि नहीं यहाँ से ही एग्जिट करना बनता है तो वो लोग नहीं बोलेंगे. वो लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे पता है ये यहाँ से और ऊपर जाएगा, वहां पे आपके अटकने के चांसेस ब्राइट बनते हैं. तो जो जिद हम लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं कि नहीं इससे मुझे पैसा निकालना ही है, ये मेरे पैसे कैसे लेके जाता है, ये वाला एटीट्यूड ये हफ्ते आपको बाजू में रखना पड़ेगा. बिल्कुल प्रॉफिट के चांसेस ब्राइट ही है आपको भी. तो प्रॉफिट करने के लिए बस हम लोग जहाँ पे 100 क्वांटिटी लेते थे ना, वहां पे हमें थोड़ा सा कम क्वांटिटी 7, 16 and 25 को लेना. मतलब बड़ी मात्रा में ट्रेड ना करते हुए छोटी मात्रा में ये सबसे अगर आप ट्रेड करते हो, गैस ऑयल एंड स्टील सेक्टर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा. आपके लिए मैं बहुत अच्छा सजेशन दूंगी, अगर पॉसिबल होगा तो इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए और 58 वीक की स्ट्रेटेजी यूज करिए. चलिए मुलांग साथ वालों को मैम ने बता दिया है कि आपको क्या करना है, और अगर इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर ट्रेड करना ही चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से करना है वो मैम ने बता दिया है. ठीक है मैम, मुलांग आज वाले क्या कर सकते हैं इस हफ्ते? 8, 17 and 26 समझदार को इशारा ही काफी होता है, बट सोच समझ के. मतलब सो वीक रहेगा, बहुत हैपनिंग वीक आपके लिए नहीं रहेगा. तो यस डेफिनेटली, बट ऐसे भी नहीं है कि हैपनिंग नहीं है तो हम लोग उसे हैपनिंग डेफिनेटली बना सकते. इस हफ्ते हम लोग जितना नॉलेज गेन कर सकते उतना नॉलेज गेन करेंगे. अगला हफ्ता हम लोग ड्रॉप करेंगे, तो पॉसिबल होगा तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट इस हफ्ते कर लीजिए. ट्रेडिंग के लिए हम लोग अगले हफ्ते जंप करेंगे मार्केट में, और बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते आपकी अगले हफ्ते से थोड़ी सी प्लैनेटरी डायरेक्शन वीक है. अगले हफ्ते ये इम्प्रूव होते हुए दिख रही है, तो ये हफ्ता आप सोच समझ के थोड़ा मोटा ट्रेड कर लोगे तो आईटी सेक्टर इस हफ्ते आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलने की सलाह मुलांग काट वालों के लिए. आने वाला हफ्ता और ज्यादा अच्छा होगा, तो उस हफ्ते आपको कहाँ कहाँ पे नजर बना के रखनी है वो हम शीतल मैम से पूछ लेंगे हमारे अगले हफ्ते के सोमवार के दिन जब एपिसोड कर रहे होंगे ये वाला, तब जरूर मैम से आपके लिए एक बार पूछ लेंगे. मैम आखिरी मुलांग बचा है, मुलांग 9, इन्हें किस तरीके से इस हफ्ते काम करना चाहिए बाजार? 9, 18 and 27 शिवानी पॉसिबल हो तो अभी इनके सेविंग अकाउंट के डिटेल्स ले लो, क्योंकि इनके सेविंग अकाउंट के नंबर्स डबल होने के ब्राइट चांसेस है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अक्टूबर महीना जो होता है ये इनके लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है. सितंबर एंड अक्टूबर डरते नहीं है, ये लोग भिड़ जाते हैं, जो भी होगा वो देख लेंगे. यही हफ्ता है आपके लिए, यही फंडा यूज करिए, डरिए मत, बिल्कुल पानी की गहराई नाप के पानी में उतर जाइए. आप स्विमर हो तो आप स्विम कर लोगे, और यस डेफिनेटली आपके लिए अगर मैं बोलूं तो ब्रेवरेजेस सेक्टर्स और एफएमजीसी सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते. नॉलेज इज द पावर, डेफिनेटली स्ट्रैटेजीज अगर सीख लोगे और बहुत अच्छे से स्टॉप लॉस और एग्जिट गेट बना के रखोगे तो ये हफ्ता आपका, जैसे हमने बोला है कि आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेविंग बैंक पे नंबर्स आपको दिख सकते हैं. बस बहुत बढ़िया मुलांक, 9 वाले तो मैम ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा खुश होंगे. चलिए ये तो सारी बातें हो गई मैम, मुलांक पे बात हमने कर ली है कि किस तरीके से काम कर सकते हैं कौन से मुलांक वाले. लेकिन हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं आपसे एक जीरो लॉस स्ट्रेटजी लेने की. क्या इस हफ्ते भी आपके पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जिसे लेकर हमारे जो व्यूअर्स हैं काम कर सकते हैं बाजार में? यस, दोनों चीजों के लिए स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ेगी इस हफ्ते. क्योंकि अगर लास्ट वीक आपने देखा होगा तो 442.49 करोड़ एफआईज ने बाइंग किया है, बट वही डीआईज ने 515 करोड़ का सेल भी किया है. मतलब हमारे यहाँ पर सेल हो रहा है बट बाहर की कंट्रीज से हमारे यहाँ बाइंग हो रहा है. ये थोड़ी सी चिंताजनक बात आप बोल सकते हो. आने वाले लास्ट हफ्ते अगर आपने देखा होगा तो आईटी सेक्टर्स, देन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऑटो सेक्टर्स में काफी अच्छी तेजी बताई थी. काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी नहीं चले हैं, जो चलने की रडार पर अभी शुरुआत हुई है, तो उसके ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो यस डेफिनेटली निफ्टी ने जो बेरिश कैंडल ऑन बेरिश चार्ट पैटर्न बेरिश कैंडल बनाया है, तो उस हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे तो निफ्टी डेफिनेटली हम लोग 17,700
और साइकोलॉजी एक लेवल 18,000 का बनी रहा है, तो 18,100 के बीच में हम लोग 17,700 और 18,100 के बीच में एक बार स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वही बैंक निफ्टी में भी अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोग ये हफ्ते देखने वाले हैं। अगर नीचे की बात करो के शिवानी, तो 37,636, 37,414, वही ऊपर की लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 38,068 एंड 38,306 हम लोग बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। पहला टारगेट तो आ ही गया है ऐसे आप बोल सकते हो। बिल्कुल ठीक है, तो ये इन चीजों का ध्यान रख के आपको चलना है और इस तरीके से आप इस हफ्ते बाजार में काम करिए। एक्शन पैक जो है बाजार इस वक्त रहने वाला है इस हफ्ते, और अच्छे मौके आप लोगों के लिए मौजूद हैं। किस मूलांक वाले को क्या करना है वो मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, तो सोमवार को एक दमदार शुरुआत दे दी है मैम ने। इस तरीके से काम कीजिए बाजार में, मुनाफा कमाइए। शीतल मैम आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार जी और एक वीकली नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, जो नंबर अगर आप यूज करोगे जैसे हम लोग बोलते हैं सीक्रेट नंबर, तो आपकी एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। 777 नंबर अगर लेफ्ट बॉडी पे आप ग्रीन पेन से लिखते हो, डेली मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले लिखते हो 777, और उसे दिन में 10 बार आप चार्ट भी कर लेते हो, तो ये हफ्ता आपके प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, जाते जाते मैम ने जीरो लॉस स्ट्रेटजी तो दे ही दी, एक सीक्रेट नंबर भी आपको दे दिया है। 777 नंबर बताया मैम आपने, 777 ठीक है, ये एक नंबर है और ये नंबर आपकी मदद कर सकता है और अच्छे तरीके से काम करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम आज के इस एपिसोड में हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। हैव अ प्रॉफिटेबल वीक टू ऑल, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ शीतल बाकरे मैम, देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट की भी एक्सपर्ट हैं। मैम की जो डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगी, अगर आप उन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप इन डिटेल्स के थ्रू मैम तक पहुंच सकते हैं। उनका वेबसाइट का जो एड्रेस है वो वहाँ पर मिल जाएगा, मेल आईडी और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से आप मैम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं कि वो